हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 5, जिसमें और आज का टॉपिक है पायस। क्या है आपका पायस? तो आप मेरे साथ अब हेडिंग बना लेंगे पायस, और पायस को इंग्लिश में क्या होते हैं? इमल्सन। क्या होते हैं? इमल्सन। तो सबसे पहले जानते हैं कि इमल्सन क्या होते हैं। तो देखिए, वैसे कोलाइड, सी का मतलब कोलाइड, याद रखेंगे आप, वैसे कोलाइड जो परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है। वैसा कोलाइड जिसका परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, मतलब विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, मैंने आपको पहले बताया था कि वैसा कोलाइड जिसका परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है, उसे पायस कहा जाता है। अब दूसरी बात है कि पायस क्या होता है, कि अमिश्रणीय द्रव को मिलाने से बनता है। पायस अमिश्रणीय, मतलब बिना जो मिलने वाले द्रव एक दूसरे को ना मिलने मिलाने पर, पायस अमिश्रणीय द्रव को मिलाने से बनता है और यह अस्थायी होता है। पायस क्या होता है? तो अस्थायी होता है। मैंने तीन पॉइंट बताया, फिर से सुनिए। मैंने बताया क्या कि वैसा कोलाइड जिस परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है। वैसा कोलाइड जिसका परिक्षेपित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है, उसे पायस कहा जाता है। इतनी बात आप नोट करेंगे, वीडियो पर वीडियो पॉज कर अब आगे आइए। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए भैया, पायस क्या होता है? अमिश्रणीय द्रव को मिलाने से बनता है। पायस अमिश्रणीय द्रव को मिलाने से बनता है। अमिश्रणीय द्रव मतलब वैसा द्रव जो आपस में मिले नहीं, उसे अमिश्रणीय द्रव कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पायस क्या होते हैं? तो अस्थायी होते हैं। पायस क्या होते हैं जी? अस्थायी होते हैं। अब है क्या एक नोट पॉइंट है, नोट करके आप इसे लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। है क्या जो पदार्थ, मैंने आपको बताया क्या कि जो पदार्थ इनके अस्थायित्व को बढ़ाते हैं, मतलब पायस के अस्थायित्व को बढ़ाते हैं, जो पदार्थ पायस के, क्या है जी, पायस के अस्थायित्व को बढ़ाते हैं, जो पदार्थ पायस के अस्थायित्व को बढ़ाते हैं, उसे पायसी कारक या पायसी कर्मक कहा जाता है। मैंने आपको बताया नोट में कि जो पदार्थ पायस के अस्थायित्व को बढ़ाते हैं, उसे पायसी कारक या पायसी कर्मक कहा जाता है। पायसी कर्मक कहा जाता है। अब ये पायसी कारक या पायसी कर्मक का कार्य क्या होता है, इसे सुनिए। तो है क्या, पायसी कारक परिक्षेपित प्रवस्था में कणों का, कोलाइडी कणों का रक्षात्मक परत का निर्माण करता है। क्या करता है? रक्षात्मक परत का निर्माण करता है, यानी कोलाइडी जो कण होती है उसे परिक्षेपित प्रवस्था में क्या करता है? रक्षा करता है, उसमें एक लेयर बना देता है, उसे वो विखंडित नहीं होने देता है। तो मैंने आपको बताया क्या कि जो पदार्थ पायस के अस्थायित्व को बढ़ाता है, उसे पायसी कारक या पायसी कर्म कहते हैं, और यह परिक्षेपित प्रवस्था में, और यह परिक्षेपित प्रवस्था में कोलाइडी कणों का रक्षात्मक परत का निर्माण करता है। अब दोस्तों जान लेते हैं पायस का उपयोग। क्या जी? पायस का उपयोग, पायस के बारे में मैं आपको बता रहा। तो पायस का उपयोग क्या होता है कि पायसीकरण के द्वारा, क्या जी, पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कर दी, एक लाइन में सुनिएगा, पायस बनाने की प्रक्रिया को क्या होते हैं? पायसीकरण कहा जाता है, ठीक है। पायस बनाने की प्रक्रिया क्या होते हैं? पायसीकरण कहते हैं। अरे पायसीकरण क्या होती है? तो आपने भी सुना, पायस बनाना, वैसे है क्या, जब परिक्षेपित प्रवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम में द्रव होता है, तो उस तरह कोलाइड को पायस कहा जाता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया क्या होती है? पायसीकरण। तो पायसीकरण मतलब क्या होता है? पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण करते हैं। समझना, नोट नहीं करना, पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण करते हैं। अब है क्या, पायसीकरण के द्वारा साबुन की साध्यता से वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है, मतलब साफ किया जाता है। है क्या, पायसीकरण के द्वारा साबुन की साध्यता से वस्त्र को क्या करते हैं जी? स्वच्छ किया जाता है। यह हमारा पहला उपयोग है, यानी कि वस्त्र को स्वच्छ करने में। अगर एक शॉर्ट की बात करूँ तो वस्त्र को स्वच्छ करने में, लेकिन किसके द्वारा? ऐसा पायसीकरण के द्वारा, और वस्त्र होगा तो साबुन से। अब सुनिए, है क्या कि आहार के रूप में उपयोग, दूसरा आपका पायस का उपयोग क्या है? आहार के रूप में। जैसे क्या, मिल्क एक पायस है, मतलब दूध क्या है कि आपका पायस होता है, और ये दूध एक क्या होता है जी? पायस होता है, जिसका उपयोग आहार के रूप में करते हैं। दूध एक पायस है जिसका उपयोग आहार के रूप में किया जाता है। अब क्या, दवाइयों के निर्माण में या औषधि के रूप में भी किया जाता है। तीसरा उपयोग है दवाइयों के निर्माण, मेडिसिन को बनाने में या आपका औषधि को बनाने में किया जाता है।
एक है जान प्लवन विधि में। अब जान प्लवन विधि क्या किया था भाई साहब, तो जान प्लवन विधि में सल्फेट की सांद्रता को सल्फेट का सांद्रण करने में, किसका सांद्रण करने में, सल्फेट का सांद्रण करने में, जान प्लवन विधि में सल्फेट का सांद्रण करने में पायस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इतनी बार वीडियो को पॉज करके आप पहले बोलने का प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब आगे पॉइंट पे आते हैं। अब जानते हैं पायस के प्रकार, अभी हेडिंग बना लेंगे पायस के प्रकार कि पायस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पायस आपके दो प्रकार के होते हैं, डायग्राम में दिख रहा है पायस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है तेल में जल का पायस, तेल में जल का पायस, यानी कि आप इसे शॉर्ट में लिखते हैं वायल में वाटर का इमल्सन, वायल में वाटर का इमल्सन, और ये क्या हो जाएगा वाटर में वायल का इमल्सन मतलब पायस। तो है क्या कि वैसा पायस, सुनिएगा ध्यान से, वैसा पायस जिनका परिचित प्रवस्था तेल और परिक्षेपण माध्यम जल होता है, एकदम छोटी सी बात है। वैसा पायस जो इनका परिचित प्रवस्था, जिनका परिचित प्रवस्था तेल और परिक्षेपण माध्यम जल होता है तो उसे तेल में जल का पायस कहा जाता है। एग्जाम्पल दूध कहेगा वेनेसिंग क्रीम इत्यादि। अब इसे आप वीडियो में पॉज करके नोट करेंगे और आगे बात को ध्यान दीजिए। देखिए जहाँ तक आपको समझ में आए वहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे आइए। देखिए नोटिंग नोट बात है क्या कि तेल में जल का पायस गुण स्टार्च जेलेटिन प्रोटीन पायसी कर्मक है। मतलब तेल में जल का जो आपका पायसी कर्मक कौन होते हैं, तेल में जल का पायस का पायसी कर्मक कौन होता है, तो आप याद रखेंगे आप देखिए में गोंद होता है, स्टार्च होता है, जेलेटिन होता है, और क्या होता है तो प्रोटीन होता है। क्या होता है जी, प्रोटीन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात देखिए, अब जाते हैं जल में तेल का पायस, दूसरा क्या है जल में तेल का पायस। तो वैसा पायस जिसका परिचित प्रवस्था जल और परिक्षेपण माध्यम तेल होता है, सेम अपोजिट। वैसा पायस जिनका परिचित प्रवस्था जल और परिक्षेपण माध्यम तेल होता है उसे जल में तेल का पायस कहा जाता है। एग्जाम्पल में मछली का तेल, क्या जी मछली का तेल, और क्या आपका मक्खन, क्या जी मक्खन। अब है क्या कि तेल जल में तेल के पायस के पायसी कर्मक कौन होते हैं, जल में तेल का पायसी कर्मक कौन होते हैं, तो जल में तेल का जो पायसी कर्मक होता है वो होता है लंबी श्रृंखला वाला अल्कोहल। क्या होता है जी, लंबी श्रृंखला वाला अल्कोहल, जल में तेल का पायसी कर्मक लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल होते हैं। बताओ से पूछा जाए जल में तेल का पायसी कर्मक कौन है, तो लंबी श्रृंखला वाला अल्कोहल, कौन है लंबी श्रृंखला वाला अल्कोहल। और आपसे पूछा जाएगा तेल में जल का पायसी कर्मक कौन है, तो प्रोटीन है, गोंद है, स्टार्च है, जेलेटिन इत्यादि है। दोस्तों इसी के साथ हमारा पायस पूर्ण रूप से समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना है।